नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर कैंतुरा आज आपसे एक ऐसी हैबिट के बारे में बात करने जा रहा हूं जिस हैबिट से आप डायरेक्ट सेलिंग में अपनी सक्सेस को गारंटीड कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है ट्रांसफॉर्मेशन का, और किताबें बुक्स जो हैं वो आपको ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं तो बर्की हजिस की एक बहुत ही शानदार किताब है जिसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए, कॉपीकेट मार्केटिंग 101। ये डायरेक्ट सेलिंग की जो डेप्थ है, नेटवर्क मार्केटिंग की जो डेप्थ है, इसके ऊपर है। लीनियर इनकम क्या है, लीवरेज इनकम क्या है, एक्टिव इनकम क्या है, पैसिव इनकम क्या है, ये किताब बहुत अच्छे से बताती है। रॉबर्ट टी कियोसाकी की अगर आप, एक बहुत ही शानदार किताब है बिजनेस स्कूल, जहाँ पे उन्होंने बताया है ESBI क्वाड्रेंट के बारे में। अगर आप ये किताब पढ़ते तो आपको ये समझ आ जाएगा कि हर एक व्यक्ति को क्यों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना चाहिए। सवाल ही जवाब है एलन पेज की एक बहुत ही अच्छी किताब है, नेटवर्क मार्केटिंग में हाथ तक कैसे पहुंचे। पैराबल ऑफ पाइपलाइन एक और अच्छी किताब है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, जो बर्की हजिस ने लिखी है। और एक और अच्छी किताब है द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। अगर आप इन पांचों किताबों को पढ़ लें तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपको समझ आ सकता है। अगर कोई दो या तीन किताब पढ़ने में आप इच्छुक हैं तो कॉपीकेट 101, सवाल ही जवाब है, और बिजनेस स्कूल जरूर पढ़ें। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है एटीट्यूड बिल्ड करने का, तो जीत आपके एटीट्यूड को बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छी है। एक पाथ क्या है सक्सेस का, उसमें बड़े अच्छे से बताया है सिर्फ खेड़ा जी ने। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है विजन का, सोच का, बड़े सपनों का, तो बड़ी सोच का बड़ा जादू और थिंक एंड ग्रो रिच, ये दो बड़ी अच्छी किताबें हैं जो आप अपनी लाइब्रेरी में ऐड कर सकते हैं। लोग डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ज़रूरी हैं, तो लोक व्यवहार स्किल विद पीपल एक बड़ी अच्छी किताब है जिसको अगर आप ऐड कर लें तो आप पाएंगे कि आप अपने दोस्तों को बहुत जल्दी से ऐड कर पा रहे हैं। अगर आप वेलनेस इंडस्ट्री में हैं तो रेडी स्टैंड जो एक MBBS MD डॉक्टर हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है, क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है, व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन मे बी किलिंग यू। एक बहुत ही शानदार किताब है, एंटीऑक्सीडेंट जिंदगी में क्यों ऐड करने चाहिए, विटामिन मिनरल्स का क्या रोल है लाइफ में। आप इस किताब को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि आप वाकई कितनी बढ़िया इंडस्ट्री के अंदर हैं। रेडिस्टेंट की एक और किताब है डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन, जहाँ पे उन्होंने बताया है कि अमेरिका जैसे देश में जहाँ पे एक ड्रग्स कंपनी खोलना बहुत मुश्किल काम है, बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, बहुत सारी FDA के बहुत सारे अप्रूवल्स लेने होते हैं, वहाँ पे भी जो थर्ड लीडिंग कॉज है डेथ का वो है ड्रग एंड केमिकल रिएक्शन। तो डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन आप रख सकते हैं साथ में। और इसके अलावा वेलनेस रिवॉल्यूशन, क्यों वेलनेस इंडस्ट्री $1 trillion की होने जा रही है, इसके ऊपर एक किताब है विटामिन दैट हील, एक अच्छी किताब है जहाँ पे आप विटामिन और मिनरल्स का क्या रोल है बॉडी में इसको जान सकते हैं। अगेन अगर दो किताबें पढ़नी है तो क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है, और इसके अलावा विटामिन दैट हील, ये दो किताबें बहुत अच्छी रहेंगी। लीडरशिप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बिजनेस है लीडर बनाने का, और जितने लीडर्स आप क्रिएट करते हैं, जितने बिजनेस बिल्डर्स आप क्रिएट करते हैं, उतनी बड़ी आपकी सफलता हो जाती है। यस, तो जॉन सी मैक्सवेल ने बड़ी अच्छी अच्छी किताबें लिखी, बड़ी अच्छी सीरीज है उनकी लीडरशिप के ऊपर, अपने भीतर छुपे लीडर को कैसे जगाएं, एक बहुत अच्छी किताब है जो आपको पढ़नी चाहिए। अपनी टीम में लीडर्स कैसे तैयार करें, ये एक बड़ी अच्छी किताब है। आप CEO हैं, एक बड़ी अच्छी किताब है बर्की हजिस की, लीडरशिप के ऊपर, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर आपको जरूर पढ़नी चाहिए। थोड़ा सा इनोवेटिव अगर आप होना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि आसपास जो बदलाव हो रहे हैं उनमें कैसे आगे बढ़ने की राह खोजी जाए, तो हु मूव्ड माय चीज, मेरा पनीर किसने हटाया, बड़ी अच्छी किताब है, मेरा चीज किसने हटाया, और आई मूव्ड योर चीज, ये बड़ी अच्छी किताब है। मैनेजमेंट अगर आपका वीक है, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर किताबें हैं, 1 मिनट मैनेजर एक बहुत ही शानदार किताब है, इसको आप पढ़ सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि जब हम लोगों को बताते हैं उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन लोगों को क्लोज नहीं कर पाते। यस, तो एक बड़ी अच्छी किताब है यू कैन सेल, आप बेच सकते हैं शिव खेड़ा जी की। अगर हम देखें जो जिराड की एक बड़ी अच्छी किताब है प्रभावी सेलिंग के सूत्र, वो आप जरूर पढ़ सकते हैं। फ्रैंक बैडगर जो एक बहुत ही अच्छे सेल्स पर्सन हुए इंश्योरेंस में, उन्होंने बड़ी अच्छी किताब लिखी है हाउ आई रेज्ड माई फेलियर टू सक्सेस, मैं सेलिंग में
असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा। यस, तो ये जो किताबें हैं इनको अपनी जिंदगी में ऐड कीजिए, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी किताबें हैं, वाई वी रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग एक बड़ी अच्छी किताब है जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी और रॉबर्ट टी कियोसाकी की एक बड़ी अच्छी किताब है, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों अपनी स्किल्स को बढ़ाइए, इन बुक्स को अपनी ज़िंदगी में ऐड कीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं किताबें महंगी हैं, आप दो बार पढ़िए आधे रेट पर मिल जाएंगी, 10 बार पढ़िए और सस्ती हो जाएंगी। यस, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास किताबें पढ़ने का समय नहीं है। दोस्तों अगर रोज़ सोने से पहले 10 पन्ने 15 पन्ने अगर आप पढ़ते हैं तो आप बाकी सारे डायरेक्ट सेलर से 15 पन्ने ज़्यादा स्किल्ड हो जाते हैं। यस, और 60 साल में ये बैठ के रिव्यू करना कि हमने क्या गलत किया, उससे बढ़िया ये है कि हम आज एक 60 या 200 250 500 रुपए की किताब पढ़ें और अपनी ज़िंदगी के वो 30-40 साल हम बचा लें। क्या लगता है आपको कौन सा रास्ता बढ़िया है? यस, जैसे ये जो नया ज़माना है ये YouTube का है, YouTube के बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आप देख सकते हैं, विवेक बिंद्रा जी के बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी डायरेक्ट लिंक के ऊपर है। इसके अलावा YouTube में बहुत सारे वीडियोज़ हैं इन्विटेशन के ऊपर, प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर, संतोष नायर जी के वीडियोज़ हैं आप वो भी देख सकते हैं, संदीप माहेश्वरी जी के वीडियो हैं एटीट्यूड बिल्डिंग के ऊपर आप वो भी देख सकते हैं। दोस्तों हर वो रास्ता हमें अपनाना पड़ेगा जिससे हम बहुत ज़्यादा अपने आप को स्किल बना सकें। और जैसे ये वीडियो जो मैंने बनाया है, मैं चाहता हूँ कि इस वीडियोज़ को आप हर उस व्यक्ति तक पहुँचाएँ जो डायरेक्ट सेलिंग में स्ट्रगल कर रहा है, जो डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ना चाहता है बट उसको फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हज़ारों किताबें लिखी जा चुकी हैं और ये जितनी भी किताबें मैंने आपको बताई ये सारी की सारी किताबें मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई की हैं और मुझे इससे बहुत सक्सेस मिली है। तो जो हमारा मिशन है टू क्रिएट 1 मिलियन स्माइल्स, उसकी ओर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं तो आप भी पैसे कमाने की नीयत से ना आएँ, लोगों की ज़िंदगी में बदलाव करने की नीयत से आएँ। पैसा इस इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट है। थैंक यू वेरी मच, कीप ड्रीमिंग।